हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय किचन। तो आज हम कुछ क्रिस्पी चटपटा स्नैक बनाएंगे जो बहुत ही हेल्दी भी है फ्रेंड्स। आज हम स्वीट कॉर्न चिली बनाएंगे जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। आप इसे शाम की हल्की फुल्की भूख में बना के सर्व कर सकते हैं। इसे आप गर्मा गर्म खाएं, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है फ्रेंड्स। तो आइए हम क्रिस्पी स्वीट कॉर्न चिली बनाना स्टार्ट करते हैं। स्वीट कॉर्न चिली बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 कप स्वीट कॉर्न लिए हैं। ये फ्रोजन वाले स्वीट कॉर्न हैं। तो चिली बनाने के लिए सबसे पहले हम इसे बॉईल कर लेते हैं। स्वीट कॉर्न को बॉईल करने के लिए हम यहाँ पे 4 कप पानी का यूज़ करेंगे। तो 2 कप हमने यहाँ पे स्वीट कॉर्न लिया था, तो 4 कप पानी डालेंगे हम इसमें। और पानी में बॉइल्स आने देंगे हम, उसके बाद ही हम इसमें स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे। ये पानी में हमारे बॉइल्स आ चुके हैं, तो अब हम गैस की फ्लेम मीडियम करके इसमें स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे। स्वीट कॉर्न को हम यहाँ पे 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम में बॉईल होने देंगे। तो इसे हमें मीडियम फ्लेम में ही बॉईल करना है, जिससे कि जो हमारे स्वीट कॉर्न है वो अच्छे फूल जाएंगे। इससे 5 मिनट हो चुके हैं हमारे स्वीट कॉर्न को बॉईल होते हुए, ये अच्छे फूल चुके हैं। तो अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इन्हें छान लेते हैं। स्वीट कॉर्न को छानने के लिए हमने यहाँ पे एक छन्नी ले ली है, तो सारे स्वीट कॉर्न को हम इसी में छान लेंगे। ये सारे स्वीट कॉर्न को हमने छान लिया है, तो अब हम इसे एक बॉल में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो अब हम इसमें 3 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च ऐड करेंगे। इसमें ये बाइंडिंग का काम देगा और इससे जो हमारी चिली वो अच्छी क्रिस्पी भी बनेंगे। और 1 टेबलस्पून हम इसमें चावल का आटा ऐड करेंगे। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप मैदा भी ऐड कर सकते हैं। सॉल्ट ऐड करेंगे एज पर टेस्ट रहेगा। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। तीखा आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा। और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि स्वीट कॉर्न में अच्छी सी लेयर आ सके कॉर्नफ्लोर की। तो यह हमारा पाउडर थोड़ा रह गया है जो अच्छे से कोट नहीं हो पाया है, तो अब हम इसमें 1 नींबू का रस ऐड करेंगे। जो हमारा सूखा पाउडर रह गया है वो इससे अच्छे से कोट हो जाएगा और हमारे चिली में भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये स्वीट कॉर्न हमारे अच्छे से कोट हो चुके हैं, तो अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। कॉर्न को फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को गर्म कर लिया है, तो अब हम इसमें कॉर्न ऐड करेंगे और गैस की फ्लेम लो टू मीडियम करके इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। इन कॉर्न को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे और गैस की फ्लेम आप लो टू मीडियम रख के ही इन्हें फ्राई करें, जिससे कि जो हमारे कॉर्न है वो फूटे ना। पहले से हम धीमी आंच में फ्राई करेंगे और जब ये थोड़े फ्राई हो जाएंगे तो उसके बाद हम गैस की फ्लेम मीडियम हाई करके इन्हें क्रिस्प होने देंगे, जिससे कि जो हमारे कॉर्न है वो अच्छे करारे रहेंगे। ये स्वीट कॉर्न हमारे अच्छे गोल्डन और क्रिस्प हो चुके हैं, तो बहुत ही बढ़िया और करारे हो चुके हैं। तो इन्हें हम बाहर प्लेट में निकाल लेते हैं। ये स्वीट कॉर्न को हमने फ्राई कर लिया है, तो अब हम इसकी सॉस की तैयारी कर लेते हैं। चिली बनाने के लिए हमने यहाँ पे गैस ऑन कर ली है और पैन में 2 टेबलस्पून रिफाइन ऑयल ऐड किया है और ऑयल को भी गर्म कर लिया है। तो अब हम इसमें 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ऐड करेंगे, जिसे हमने चॉप कर लिया है, और इसे हम भून लेंगे गोल्डन होने तक, ताकि इसका कच्चा टेस्ट हमारी चिली में ना आए। ये लहसुन हमारे अच्छे फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। तो यहाँ हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है जिसको हमने चॉप कर लिया है। हरी मिर्ची ऐड करेंगे, तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ हमने 2 हरी मिर्ची ली है और इसे हम सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे। तो गैस की फ्लेम हाई करके इन्हें हम फ्राई करेंगे, जिससे कि जो हमारे प्याज है वो अच्छे क्रिस्पी हो जाए। ये प्याज हमारे अच्छे फ्राई हो चुके हैं और अच्छे क्रिस्प हो चुके हैं, तो अब हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे। तो यहाँ 2 टेबलस्पून हमने शिमला मिर्च को कट कर लिया है और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। तो इसे हमें ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, सिर्फ हल्का हल्का इसे फ्राई करेंगे हम, ताकि ये क्रंच बना रहे इनमें। तो अब हम इसमें 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून हम रेड चिली सॉस ऐड करेंगे इसमें। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे।
और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सॉस भी हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है, तो अब हम इसमें फ्राई किए हुए स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे और गैस की फ्लेम हाई करके इसे हम फ्राई मिक्स कर लेंगे ताकि ये भी सॉस के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। इसे हम सिर्फ 2 मिनट तक ही फ्राई करेंगे सॉस में। तो इसमें सॉस भी हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है, तो ये हमारी टेस्टी और क्रिस्पी स्वीट कॉर्न चिली बन के रेडी हो चुकी है। तो ये बहुत ही बढ़िया बनी है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है और कितनी टेम्पटिंग लग रही है। तो अब हम गैस की फ्लेम ऑफ करते हैं और इसे गरम गरम सर्व कर लेते हैं। ये हमारी टेस्टी और क्रिस्पी कॉर्न चिली बन के रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स, तो ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो आप भी इस मॉनसून में इसे बनाएं और ट्राई करें और हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।